वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको ओढ़नी या दुपट्टा जो भी रहेगा उसकी किनार के ऊपर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एक कड़क पुट्टा ले लीजिए, उसको देखिए 5-6 इंच जितना मैंने चौड़ाई में लिया है, उसको देखिए 3-3 इंच पे एक निशान कर देंगे, 3-3 इंच पे एक निशान कर देंगे। इस तरह से देखिए मैंने निशान कर दिया है। अभी 3 इंच के सेंटर में 1.5 इंच पे एक और निशान कर देंगे, बरोबर बीच में लंबाई में भी 1.5 इंच करेंगे और चौड़ाई में 3 इंच करेंगे। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अगर आपको डायरेक्ट गोलाई नहीं आए तो कोई बर्तन ले लीजिए, कटोरी या छोटी सी प्लेट लेके उसके सहारे आप गोलाई बना दीजिए। इस तरह से पहली जो गोलाई बनेगी उसको कटिंग कर दीजिए और इसी शेप को इस तरह से आगे रखते हुए शेप देके, गोलाई का शेप देके कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हो आगे से आगे निशान कर दीजिए और फिर उसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए डिजाइन बहुत सुंदर बनती है। आप ज़रूर देखें और बनाएं और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर बना दी है पुट्टे के ऊपर। अभी कपड़ा ले लीजिए और किनारी को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके इसी तरह से इसी कागज़ को उसको रख के सेम टू सेम पेन के सहारे आप निशान कर दीजिए। पूरी बॉर्डर के ऊपर इस तरह से निशान कर दीजिए। बॉर्डर में पिन लगा दीजिए ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके ना, पिन लगा के फिर शेप दीजिए। कपड़े की किनारी को मैंने फोल्ड किया है। जो निशान किया है उसी निशान के ऊपर ऊपर सिलाई कर देंगे। देखिए उसको गोल घुमाते हुए उसी के ऊपर सेम सिलाई कर देंगे। अभी देखिए पहले बंद भाग रहेगा जो ओढ़नी का, उसको कटिंग कर देंगे और जो शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग उसको हल्का हल्का कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से वापस उसको डिजाइन को पलटा के डिज़ाइन रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कट लगा के मैंने पलटा दिया है और उसके ऊपर वापस दाब सिलाई दे दी है। तो डिज़ाइन बहुत सुंदर बनी है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।